Let's continue our last chapter that is theory of supply. Students, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. नाउ वी नो दैट स्टूडेंट्स कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो कैसा होता है, अपवर्ड, हमें पता है. एंड दिस अपवर्ड डायरेक्शन शोज दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. हमारा ये क्या शो करता है कि जैसे जैसे आपकी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, यही शो करता है. तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जिसको हम डेल्टा पी और अपॉन डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, यानी कि Change in price upon me change in quantity supplied. अब देखो हमारा supply का कैसा है, straight line. और straight line क्या show करता है कि ये जो ratio है ये कैसा ratio है, constant ratio. Constant कि हर एक level के ऊपर आपका सेम ही रेशियो आता जाएगा कि जितना चेंज आपके प्राइसेस में हो रहा है, क्वांटिटी में हो रहा है, सप्लाई में भी उतना ही चेंज हमारा प्राइसेस में हो रहा है, सेम बिल्कुल पॉजिटिव. ठीक है, तो ये जो शो करता है ये वाला है. तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूं अच्छे से, यहाँ पर हमारे पास है क्वांटिटी सप्लाई और ये हमारे पास प्राइसेस. तो ये कितना चेंज आया इसमें, डेल्टा पी प्राइसेस में चेंज. और ये चेंज क्या शो कर रहा है आपका, क्वांटिटी में चेंज, चेंज इन क्वांटिटी. तो हर एक लेवल के ऊपर जो हमारा रेशियो है चेंज इन पी अपॉन में चेंज इन क्यू वो कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है. और कांस्टेंट की वजह से ही हमारा जो है सप्लाई का वो कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर, लीनियर कर्व होता है हमारे पास, लीनियर कर्व, यानी कि लीनियर स्ट्रेट लाइन कर्व. लीनियर को क्या कहते हैं, हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं. ओके, सो यहाँ पर रिलेशनशिप कैसा है, देखो लीनियर रिलेशनशिप कैसा है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड सॉरी प्राइस सिंपल प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप. ओके, नेक्स्ट ये तो था हमारा स्लोप ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किन के बेसिस के ऊपर आपकी सप्लाई डिटरमाइन होती है, कहाँ से. तो एक तो हमने पढ़ा ही था कि जो प्राइसेस है, तो फर्स्ट जो आपका डिटरमिनेंट है विच वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय पी एक्स दैट इज ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी. कि कमोडिटी के खुद के प्राइसेस, खुद के प्राइसेस, कि अगर तो कमोडिटी के प्राइसेस प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अगर प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी. सो फर्स्ट डिटरमिनेंट इज कि हमारी सप्लाई किस पे डिटरमाइन होती है. पहला डिटरमिनेंट है कि उस कमोडिटी के खुद के प्राइसेस. सेकेंड डिटरमिनेंट इज विच वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय पी आर दैट इज प्राइस ऑफ आर. हमें पता है रिलेटेड गुड्स से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटेड गुड्स. और हमें पता है रिलेटेड गुड्स कौन से हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब देखो टी एंड कॉफी दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं हमें पता है. ठीक है, तो अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, पहले दोनों के ही प्राइसेस 10-10 थे, ठीक है, अब टी के प्राइसेस हो गए 20, प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो सप्लाई किसकी इंक्रीज होगी. हमें पता है कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो जिसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे उसी की सप्लाई भी इंक्रीज होगी. तो किसकी सप्लाई
सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, टी की ही सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक ओके, तो सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी हमारे जो प्राइसेस रिलेटेड गुड्स है इस पर भी डिटरमाइन करती है सप्लाई। क्यों? और कॉफी की सप्लाई कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके चेंजेस इसमें प्राइस में नहीं। नेक्स्ट इज NF, इट मीन्स नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स मीन्स कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ फर्म्स यानी कि प्रोड्यूसर्स ज्यादा है, फर्म्स ज्यादा है, प्रोडक्शन करने वाले ज्यादा है, तो हमारी सप्लाई की क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन कम है, फर्म कम है, तो आपकी सप्लाई भी कम है। So if there is increase in the number of firms, then the supply will also increase. And if it is there is less number of firms, then the supply will decrease. Next G. G represents goal of a firm. Goal of firms. Then goal of firms kya hai? Goal of firms yani ki objective main. जो पर्पस रहता है प्रोड्यूसर्स का, देखो दो तरह के प्रोड्यूसर। एक होता है प्रोड्यूसर कि एक तो अब चाहता है, जिसकी थिंकिंग है कि आप प्राइसेस हाई कर दीजिए, ठीक है, हाई प्राइसेस पे जितनी भी सेल होगी ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आपको प्राइसेस हाई करने पड़ेंगे, यानी कि हाई प्राइसेस विल अर्न हाई प्रॉफिट और यू कैन से मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। एंड सम प्रोड्यूसर आर देयर ऑल्सो इन द इकोनॉमी who thinks that if we increase the sale, whether we'll decrease or increase the prices, but if there will be increase in the sale of the production, sale of the commodity, then it will maximize our profit. कि अगर हम अपनी सेल बढ़ा दें, चाहे उसके लिए हमें क्या करना पड़े, डिक्रीज भी करना पड़े, सपोज चाहे इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, कुछ भी करो, लेकिन समटाइम्स क्या करना पड़ता है कि सेल इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं प्राइसेस, रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने पर उनका क्या हो जाता है, वो कहते हैं कि सप्लाई जितनी सेल ज्यादा होगी, क्योंकि सेल कब ज्यादा होगी, जब प्राइसेस कम होंगे तभी लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो जितनी सेल ज्यादा होगी तो वो सोचते हैं कि उतना ही प्रॉफिट ज्यादा। तो ये भी डिपेंड करता है सप्लाई का कि गोल ऑफ द फर्म क्या है। अगर द गोल ऑफ द फर्म हमारा क्या है, हायर प्राइसेस विल इंक्रीज हायर प्रॉफिट, ये वाला गोल है, जो सोच रहे हैं कि प्राइसेस हाई करने पर क्या होगा, सप्लाई ज्यादा देंगे वो और हाई प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, तो वहां पर वो भी डिटरमाइन करता है हमारी सप्लाई को। और अगर आपका सेल्स इंक्रीज करने का गोल है, प्रॉफिट उसका है, तो वहां पर सप्लाई जो है वो तभी इंक्रीज हो पाएगी जब प्राइसेस रिड्यूस हो। नेक्स्ट पीएफ, पीएफ रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, सॉरी प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स कह सकते हैं हम इसको, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको पेमेंट्स करना, उनके प्राइसेस यानी कि जैसे वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, ये सब क्या है, ये प्राइसेस ही तो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। और अगर हमारे प्राइसेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ज्यादा होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आने से सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज। इसी का अपोजिट करते हैं, इसी का अपोजिट क्या, कि अगर तो प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, यानी कि अब लो वेजेस हमें देने पड़ते हैं, कि लेबर मिल रही, सस्ती लेबर मिल रही है हमें, तो सस्ती लेबर मिलने की वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करता है। ओके, नेक्स्ट इज टी, टी रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी, इफ देर इज इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी देन सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड इफ वी आर यूजिंग द सेम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी इट विल नॉट इंक्रीज आर सप्लाई, देर विल बी अ लिमिटेड सप्लाई। सो अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो जाती है, अच्छी टेक्नोलॉजी हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे, तो हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। नेक्स्ट ई रिप्रेजेंट्स, इसको यहां लिख देते हैं, एक्सपेक्टेशंस,
एक्सपेक्टेशंस कैसे हैं? अगर प्रोड्यूसर ये सोच रहा है, एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि नियर फ्यूचर के अंदर उसके जो प्राइसेस है कमोडिटी के वो इंक्रीज हो जाएंगे, नियर फ्यूचर में प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो प्रेजेंट में वो क्या कर देगा, सप्लाई कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको अगर फ्यूचर में सेल करेगा जहाँ पे प्राइसेस ज्यादा होने के चांसेस है वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा उसको। तो इसी वजह से एक्सपेक्टेशन, इफ ही एक्सपेक्ट्स दैट इन नियर फ्यूचर द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज, देन इन प्रेजेंट ही विल रिड्यूस द सप्लाई, एंड इन केस ही एक्सपेक्ट्स दैट देयर विल बी डिक्रीज इन द प्राइसेस इन नियर फ्यूचर, देन इन प्रेजेंट ही विल इंक्रीज इट्स सप्लाई। तो अगर वो ये सोचा कि कम हो जाएंगे प्राइसेस, तो प्रेजेंट में अपनी सप्लाई ज्यादा कर देगा, इंक्रीज। लास्ट आता है हमारे पास जीपी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है बिल्कुल हमारी, इससे रिलेटेड प्रोडक्शन से रिलेटेड टैक्सेस जो है, सब्सिडीज जो है, वो क्या दे रही है गवर्नमेंट, वो हमारे डिपेंड करता है। तो अगर तो गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा इम्पोज कर रही है, ज्यादा लगा रही है प्रोडक्शन के ऊपर, तो क्या करेगा, प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आने लग रही है। और अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर में मीन्स टैक्सेस कम है, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और जिसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो दीज ऑल आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के, जिसके ऊपर हमारी सप्लाई डिपेंड करती है। कौन कौन से, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। और इससे पहले हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और यू कैन से इट शोज द रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।